जहाँ तक है मैं दूसरे फोन से शूट करके पापा के से या मम्मी के फोन से शूट करके पिक्चर क्वालिटी उसकी ज़्यादा ठीक नहीं होगी, उससे शूट करके मैं डालूँगी क्लिप्स अगर मैं डालती तो। नहीं तो मैं जो जो सामान परचेज करूँगी वो मैं आपको घर पर फोन चार्ज करके और मैं एंड में दिखा दूँगी। ये पार्ट दो में पड़ेगा ब्लॉग, सिंगल में नहीं पड़ सकता, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। करके चलते हैं, हम जाना रहेगा हमारा सस्पेंस कि हम कहाँ जाने वाले हैं। निकालो बेकार है एटीएम। मैं दिखाना चाहती हूँ पब्लिक को कि ये एटीएम बेकार। अरे वो घूम रहे को घूम रहे को चलो अभी भी ट्राई कर ही रहे हैं निकल जाए शायद। लीड भी खराब हो गई थी हम इसलिए इसकी लाइट केबल भी लेने आए हैं, चेक करके देखेंगे चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा। कैमरा में से जाओ वही कैमरा में से जाओ ये बार इसकी एप्पल की भी दिखा देना। Thank you.
है प्लानिंग, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हमें पता है लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं, सस्पेंस हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हमारी पैकिंग हो रही है, अभी हम सारा सामान रख के गाड़ी में बैठ के तब हम सस्पेंस खोलेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो सब चीज, सब लोग अपने मास्क रख लेना, अपने मास्क रख लेना सब लोग। घूमिंग करने जा रहे हो आप? कहाँ घूमिंग करने जा रहे हो? जाएगा नाम बताओ, इसको भी ले चल जाएगी, वो जाएगी बैठ जा, ले जाएगी, आजा बाबू जा रहा है मेरा संग में। हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरता हुआ, डीजल वाली गाड़ी में डीजल भरेगा, पेट्रोल नहीं डीजल। अरे यार मैं पकड़ू मम्मी, मेरे को भी वीडियो बनानी है ना, वीडियो बनानी है।
जैसे कि मैंने देखो अभी लाइव चालू किया था, उस पर देखो खुशी आई है लाइव, अभी वो भी ऐसा फेस दिखाती है ये। अभी हमने ब्रेक लिया है तो बाहर देखो ये टहल रहे हैं ऐसे ये लोग, तुझे भी देखना है, तू भी देख लेते हैं देख ये लोग गए हैं। हाँ लेट के लिए मम्मी ओके बाय बाय, अभी मैं लाइव पे भी लौट के आती हूँ, बाय बाय। बारिश पड़ भी चुकी है, बारिश पड़ गया, हम सब सो भी गए, बाबा तो अभी सो भी गए हैं।
बहुत सो रहे हैं रात के वजह कितने फोन में है कौन सी फोन में है रात के पौने तीन बजे अभी हम पहुँचे भी नहीं है थक गए बैठे बैठे अब चाय पी के ब्रेक लेके तब चलेंगे आज का पूरा दिन अब पारी ऐसी हो गई कीचड़ हो गई है पूरे में कीच नौ बजे चलते थे तीन बजे लेकिन अभी पहुंचने का नाम नहीं है बारिश भी पड़ गई रास्ते में एसी चल रहा था ठंडी भी लगी हम ऐसी शॉर्ट्स में आए हैं मेरी तो हालत खराब हो चुकी है इन लोगों को मजे आ रहे हैं ऐसी मजे बैठेंगे इनको सबसे ज्यादा आ रहे हैं इनको बहुत अच्छी लग रही है ऐसी और ठंड में भी पैर पुपा रहे पहले इनको थोड़ी सी चाय पिला दो बढ़ रही थी इतने पीने का मन नहीं था पिछली बार हमने भी चाय पी थी पहले स्टॉप पे बहुत अच्छी थी यहाँ तो हकीकत में हमें तीन बजे का चिंता सुनते लेकिन नाम निशान नहीं पहुँच नहीं रहा पहुँच चले जा रहे देखो यार और सोती हुई जा रही है हम ले जा रहे हैं यहाँ पे अभी स्टॉपेज लिया है यहाँ मैप लग रहा है दो घंटे और हैं अभी हमें पहुँचने में ये हमें दो घंटे और अभी पहुँचने में यहाँ से हमारी गाड़ी चलेगी गाने चलेंगे ये हमारे खाटू श्याम दूर पहुँचते जा रहे हैं अभी पीछे बैठे बैठे मैं तो थक गई सब गायब हो गए फाइनली मैं आ गया कितनी देर में पहुंचेंगे भैया अभी दो घंटे में पाँच बजे पहुंच अरे भैया पाँच बजे पहुँच तीन मिनट पाँच श्री श्याम बाग पा अरे अभी तो हम बहुत दूर है श्री श्याम बाग से भी कैसे नहीं है बताओ सही वाले लेके जाने वाला क्या हिसाब किताब होता है इसमें लेके जाओगे आगे निशान दो ना वहाँ पे पूजा होगी फिर खाटो में चढ़ेगी यहाँ आगे
सपने जहाँ में पहुँचे तो खाली शाम सपने जहाँ में राधा कृष्ण सपने अरे चप्पल तो जा वहाँ पर उतार दिए थोड़ी दूर गया 200 मीटर है बस काम में पूजा होगी 200 मीटर होती है इस चीज की जो होती है झंडे की पूजा होती है तब लेकर जाते हैं अब वो तुम्हारी इच्छा है तुम खाटू श्याम तक ले जाओ माँ तो उठाएंगे तो 200 मीटर जाना बस अच्छा भैया 200 मीटर तक चप्पल पहननी है ना मैं चप्पल पहने बता दो हमें बता दीजिए तुम्हारी सिर दा है माया को ताल लेगी हूँ पहली बार आया बांध लो बांध बना हुआ बेटा नीचे से खुलेगा तो नहीं है कहाँ तक जाना है वो बता दो पहले ये सीधे आके ब्रिज के नीचे से राइट साइड ब्रिज के नीचे से राइट साइड से राइट साइड में वहाँ तो बैठे होंगे लोग खुला ही है भूखे बसले में वो पूजा करने के सोचे पूजा के बाद भी कोई तो मंदिर है वो मंदिर कौन से मंदिर पैदल जाओगे चलो तुम जाओ तुम जब कह रही चुन्नी और दे मुझे मारेगी चुन्नी मेरी मैया मारेगी मैंने कि मुझे मारेगी अच्छा नहीं कोई भी चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं चप्पल काट दूँ नंगे बैठ जाऊँगी अरे पहन ले यहीं से लेके जाओगे नहा के लेके आ रही थी क्या नहा अरे ये लोग तो यहीं से नहा के लेके आए थे ना तो बिना नहाए लेके आ रही है कहाँ से नहाना भी तो कैसे तुम बढ़ते नहाए हुए आए हैं तो तुम खाटू शाम तक मतलब लेके जाओगे पूरा खाटू शाम तक लेके जाओगे ना तुम हमें तो यही पूजा करानी है ये तो खाटू शाम तक लेके जाएंगे ना अरे तो यही पूजा करानी है माया के नाम का द्वारा करा लेंगे चलो बता रहे पूजा आगे दिख पड़ता है निशान भवन वहाँ आगे हाँ वहाँ निशान भवन में होती है इधर ही होगा काम है इधर आगे ब्रिज के पास होती है इधर ही हाँ हाँ इधर ही है इधर ही पूजा करा लेंगे तो वहीं तक पैदल लिया फिर तुम्हारी श्रद्धा है क्या नहीं ऐसा ये तुम्हारी ये हो गया ये श्रद्धा के ऊपर है कि तुम वहाँ तक जा सकते नहीं जा सकते हो अब जिसकी तबीयत खराब हो इतनी चल रही है हां नहीं कोई बात नहीं वो आपके ऊपर है जा तुम नहीं कहते सही है बस मेरे साथ जनों को जाने वाला होना चाहिए वीडियो चलो तुम गाड़ी में बैठो मैं चल लूंगा तुम पहुंचो सही चलो तक तो पहुंचो जी ना तो एक्सीडेंट देर में दो घंटा लगेगा नहीं तुम आराम करो आराम से पहुंचो चलो आखिर में मेरा दूसरा सपना पूरा हो गया आईफोन के बाद मेरा खाटू श्याम बोल तो ले पहले हे गाइस जैसे कि मैं अब निशान लेके जा रही हूँ खाटू श्याम का आप लोग भी मेरे साथ चलो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे पूजा होती है घर वाले लेके नहीं जाने देना खाटू श्याम का निशान तो ही सही ये मेरी फिल्टर वो बनेगी वीडियो वो मेरी विदाउट फिल्टर वो यूट्यूब पे दिखेगी या मेरी स्नैप पे दिखेगी हाँ चलो पब्लिक में मैं पूरी एक्टिव रहूँगी मुझे बड़ी खुशी मिली मैं ऐसा लगा मेरी गाड़ी वाले इतने तेज निकले कि तुम लोग खाटू श्याम तक आओ पैदल पहले जयकारे भी तो लगा ले कैसा बताओ बता मेरे को एक बार बंद कर दूँ इसके बाद मैं इसको सबको भेज दूँ खाटू श्याम की जय अब आऊंगी एक मिनट खाटू ना रेस इधर आया कोई हमारे ही ना हमारे ही ना उड़ाने हमें खाटू ना रेस की जय लगता तार की जय हारे के सहारे की जय बाबा श्याम की जय उन्होंने हमें हल्की फुल्की बारिश में बुलाया सड़क गीली कर दी हमारे लिए
बहुत खुशी हुई देखिए हमारे पैर भीगते हुए। अब ये 200 मीटर कहाँ पूरे होंगे ये अब पूछना बाकी। अभी वहाँ पे दो चार लोग हैं उनसे पूछ के तब हम आगे और बढ़ते हैं। साइड से आ ये लोग भी लेके आ रहे हैं। ये बड़ा वाला झंडा है 150 रुपए वाला। चल चल तू आप पीछे कैसे रह गई। अरे ऐसे क्योंकि सीधा कर सीधा झंडा। अब अपने कंधे पे लेकर जा रहे हैं उनको बिठा के। तुम इधर साइड से मेरे बहन जी आएगा। तो फिर उसे बाने क्यों ना लगा? ऐसे घर पे ऐसे टांगना होता ना घर पे भी? नहीं घर पे नारियल का देना। नारियल कहाँ पे करना होता है? नारियल वही छोड़ा है ना मंदिर पे। बाबा के मंदिर पे नारियल पड़ता है नारियल। लाइट कैसे उसमें? ऐसा छोड़वा ना। बाबा के मंदिर में वही सब पढ़ाने की जरूरत नहीं चढ़ाया ना। अच्छा। घर पे लेके जाओगे किसको? और क्या? हाँ डंडा निकाल लेना इसका डंडा भी निकाल दे। अभी लौट के बताती जाऊंगी बाबू। 50 रुपए दे रहे हैं सुशील लेबर। लौट के बताऊंगी अभी जाऊंगी तुम चिंता मत करो। और कैसे पकड़ना कैसे भैया सही तरीका आता वो लॉगिंग कर रहे होगे एक काम है यहां पर मां बोल तो नहीं रहे ये मैं बोल रही हूं ना मैं होना ये बोल दिया मैं तो बस ये कैमरा मैन है मेन पार्ट इसका ही है। क्या नाम है चैनल का? चैनल का नाम ब्लॉग UPSC1 अलीगढ़ वाले। धन्यवाद सर। जैसे शाम भैया जैसे शाम जी चलो आइए गाइस अभी लौटते हैं उसको बताएंगे जिस मूवी में डाले यहाँ से मिल जाते बिल्कुल।
वहाँ इतनी दूर से लियो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण निःशुल्क भैया पैसे लगते हैं क्या ना ना निःशुल्क पूजा के लिए पूजा की थाली निःशुल्क ये भी पढ़ा दो यहाँ पे एक चीज बढ़िया लगी मुझे यहाँ पे पूजा की थाली निःशुल्क क्या चीज शाम है एक काम करो फिर फोटो खींच लो एक फोटो खींच लो कैसे पूजा होती है और मैं यहाँ पे बज रहे हैं रात के चार मुझे पहले मेरे घर के लोग गाड़ी वाले इतने बढ़िया हैं गाड़ी इतनी दूर खड़ी करके फोन कर रही हूँ फोन उठा ही नहीं पाए हैं ये पहले इनसे गाड़ी लेके आऊँ उसमें सारा सामान है बिना यहाँ पूजा होगी नहीं उसमें कपड़े रखे हुए हैं सुनते भी नहीं है कोई यहाँ पे एग्रीमेंट चल रही है नाने की पर्ची को लेके कोई 50 रुपए की पर्ची यहाँ पे नाने की देखो देखो यहाँ पे सुनो 50 रुपए पर्ची काट रहे नाने को लेके ये लड़कियाँ एग्रीमेंट कर रही हैं यहाँ से निशान लेके पूजा की थाली लेके यहाँ पूजा करी जाती है जो कि अभी मैं भी करने वाली हूँ मेरा मन तो बड़ा वाला झंडा का था लेकिन ये जो मेरे मम्मी पापा जो आ रहे हैं ना ये दोनों इन्होंने कही नहीं बेटा अगली बार मैं अपना निशान उठा लूं ये मेरा निशान है अब ये मैं उठाऊंगी अपने कंधे पे छूने लायक नहीं होगी मेरे एक हाथ में फोन है एक हाथ में डंडा सीधे हाथ से चलो अरे पार्क में गाड़ी आ जाओ जूते पहन
हम चलते हैं, देखते हैं कैसा है। मैं पछता नहीं हूँ, मैं क्या मेरी थोड़ी फैमिली पछता नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अभी तो यहाँ पे हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है, मैंने निशान लिया था, निशान की पूजा करी थी। अब शाम को मैं नहा के फिर उसके आगे हम पंडित जी से पूछेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। अभी हम पार्किंग में, अभी गाइड अंकल से बात करके अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब। देखते हैं बिरला बच्चा है अडानी, बाबा का भरते हैं पानी, दादा हो चाहे अंबानी, इनकी भी सुन लो कहानी। बिरला हो चाहे अडानी, बाबा का भरते हैं पानी, बाबा हमारा सबसे करे दुनिया कैसे फोटो सिटे, क्योंकि सुबह 4 बजे यहाँ आरती हो गई। मेरे पापा मम्मी को छोड़ के गायब हुए, मम्मी ढूंढ रही है पापा को, देखो उनकी शक्ल सर आप पहचानने हो गए, वो ढूंढने में लग रही है। अरे मिल गए मिल गए मिल गए, मेरे पापा मिल गए। दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू, दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू,
दर्द ना कहूँ मैं किसी से बस तो से बातों दर्द ना कहूँ मैं किसी से बस तो से बातों मुझको समझाके कभी दर्द बस नाम है तेरा लेना गम मेरे हर के तू ओ मेरे बाबा बस खुशियाँ मुझको तू देना तेरा ही नाम लेके मैं बाबा रोज चलता रहता हूँ श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ मेरे जाने मैं और मम्मी कितनी फिसलन कितनी फिसलन आवाज में बैठ के अरे ज्यादा पानी नहीं है रे बाबा कहाँ जा रहे हो खाटू श्याम जी जा रहे चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ मैं भी जा रहा हूँ आ जाओ भाई आ जाओ मैं छोड़ दूंगा रास्ते में मैं भी जा रहा हूँ आ जाओ शीश जो मांगा हरि ने एक बार में दे डाला कलयुग में रूप हरि कल के संसार को के संसार को पाला हारे का तुम ही केवल हो एक सहारा जिसका न कोई जगत में श्याम हमारा तेरी बदौलत हर कष्ट रोज हंसते हुए ही तो सहता हूँ श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ बाबा प्रीत मैं तो से लगा बैठा तीन बाण धारी हारे युद्ध के सहाये शीश से बाबा तुम शिर गुल कहलाए माया मन्नत का नारियल बन चुका है मम्मी यहाँ पे अभी खुला था तो उसका नारियल पंख निकला था अब वो उसको बांध रही है कुंड में नहा के आ चुके हैं शाम कुंड में नहा के आके हमारा ये हमारा निशान हम अपने घर लेके जाएंगे आपको कैसा लगा मेरा येलो लुक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये भी गोलाप्पा फूल लेने गई है ये कितने का दे रहे हैं गुलाब का फूल पाँच गुलाब है आपकी मर्जी नहीं है तो दस के दो ले लो मैं तो नट नहीं रहा हूँ आपकी मर्जी है वो ले लो वही फूल है मेरी आवाज ही तो हो रही है ये वाला ले लो इतने ले लो ये वाला ले लो एक इतने ले लो मैं कम ना करूँ एक ही हाँ भैया बस एक यहाँ ये गाड़ी आई है इसको गाड़ी को ज्यादा दिक्कत दस रुपया उठ जाना है आयो आज फाइनली
होती है, पैसा ठगने के काम है बस। ये चीज हो रहा है, फूल तोड़ के उसकी डंडी फेंकवा देते हैं, ऊपर ऊपर का फूल रहने देते हैं। फूल दिखाना कैसे, फूल की ये मंडी रह जाती है, फूल के नीचे की डंडी तोड़ देते हैं। क्या फायदा इतने पैसे वेस्ट करने का। श्री श्याम मंदिर परिसर में प्रसाद इत्र व गुलाब के फूल परिसर से लगे पत्रों में अपने हाथ से श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। आप अर्जित करें गुलाब के फूलों के फेंक कर दोष के बागी ना बने। ठीक है। डालूंगी ब्लॉग तो मैं अभी यही एंड करती हूँ, और कहाँ जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ।